Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aisha Joshi, and you are watching me on the channel of TYS. So it is 11th of October 2020 and we are going to take today's The Hindu news analysis. Okay, so let's take it. The first news is based on Tamil Nadu. Tamil Nadu defends Mallaperriyar Dam panel. Basically what it is, Mallaperriyar Dam जो है वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इट टेल्स सुप्रीम कोर्ट पावर्स नॉट पास्ड ऑन द सब कमिटी. ओके, सो बेसिकली पहले तो मुद्दा क्या है वो देखते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3-member सुपरवाइजरी टीम टू सेटल द इशू ऑफ Mallaperriyar Dam. Mallaperriyar Dam जो है वो एक इशू है केरला और तमिलनाडु के बीच का. ठीक है, एक डिस्प्यूट है केरला और तमिलनाडु के अंदर. बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कॉमन होने के कारण काफ़ी डिस्प्यूट्स क्रिएट करती है, उनमें से एक है Mallaperriyar Dam. तो Mallaperriyar Dam जो है उसको लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक जो है सुपरवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी 3 members की, एंड उस कमेटी के बेसिस पर जो है इसका रिजल्ट निकलना था. Mallaperriyar Dam का क्या इशू है? द टेंशन बिटवीन टू स्टेट्स ओवर द इशू हैज़ परसिस्टेड सिंस 1960s से ये इशू दोनों के बीच में चला आ रहा है. विथ केरला साइटिंग कंसर्न्स रिगार्डिंग द डैम सेफ्टी एंड आर्ग्यूइंग फॉर द रिडक्शन ऑफ द डैम्स वाटर लेवल. डैम के वाटर लेवल के कम होने और डैम की सेफ्टी को लेकर केरला जो है वो उसके अपने कंसर्न को शो कर रहा है. वहीं पे तमिलनाडु क्या कर रहा है? बट विद द वाटर फ्रॉम द डैम बीइंग डाइवर्टेड टू 5 districts इन तमिलनाडु. उसका उस डैम का जो वाटर है वो 5 districts जो है तमिलनाडु के वहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है. एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन द स्टेट्स इरीगेशन एंड पावर प्रैक्टिसेस. पावर प्रोडक्शन और स्टेट के इरिगेशन सिस्टम के लिए, इन सब प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रिवर का, ये डैम का वाटर. तमिलनाडु हैज़ कंसिस्टेंटली अपोज दिस. इसलिए तमिलनाडु केरला को कंटिन्यूसली अपोज कर रहा है. बेसिकली अब देखिए ओनरशिप की बात आती है यहाँ पे. केरला का कहना है डैम हमारा होना चाहिए, डैम का वाटर हम यूज़ करेंगे, डैम का वाटर रिड्यूस होता जा रहा है, उससे उसके रिलेटेड उनका कंसर्न जो है वो नज़र आ रहा है. वहीं पे अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का कहना है कि ये हमारा है और ये डैम से जो वाटर सप्लाई हो रहा है ये हमारे स्टेट के अंदर 5 districts ऐसे हैं जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो इरीगेशन है और चाहे वो पावर प्रोडक्शन से रिलेटेड है. ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है. अब अगर हम बात करेंगे Mallaperriyar Dam है क्या, सॉरी डैम है क्या. Mallaperriyar Dam जो है वो लोकेटेड है कन्फ्लुएंस ऑफ द Mallayar एंड Periyar. Mallayar और Periyar रिवर्स जो है उनके कन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है ये इन केरलाज इडुक्की डिस्ट्रिक्ट. ये कहाँ पे, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का वहाँ पे लोकेटेड है ये डैम. ओके, इट इज़ ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय द तमिलनाडु. इसे ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है? तमिलनाडु करता है फॉर मीटिंग द ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन रिक्वायरमेंट्स. अच्छा, उनका ऑपरेट और मेंटेन करने का रीज़न क्या है? क्योंकि उन्हें ड्रिंकिंग वाटर और इरीगेशन से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है उन्हें फुलफिल करनी होती है अपने सदर्न डिस्ट्रिक्ट. 5 districts ऐसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वाटर इन्हीं से फुलफिल होता है, चाहे इरीगेशन हो चाहे पावर सप्लाई हो. ठीक है, तो वो इसको ऑपरेट और मेंटेन करता है तमिलनाडु, जबकि ये है केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर. अकॉर्डिंग टू 999 ईयर लीज एग्रीमेंट, 999 ईयर्स की लीज एग्रीमेंट जो कि ब्रिटिश रूल के समय हुआ था, ये किसको ऑपरेशनल राइट्स जो हैं वो इस डैम के वो किसे दे दिए गए थे? तमिलनाडु को दे दिए गए थे. द डैम इंटेंड्स टू डाइवर्ट द वाटर ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर Periyar ईस्टवर्ड्स टू द एरिड रेन शेडो रीजन्स ऑफ द तमिलनाडु. ओके, सो Periyar रिवर, नाउ वॉट इज Periyar रिवर? Mallayar Dam जो है उसके बारे में पढ़ लिया हमने, लेकिन Periyar रिवर क्या है? Periyar रिवर कहाँ पर सिचुएटेड है? ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, 244 kilometers तक की लेंथ है इसकी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ केरला बिकॉज समवेयर वाटर सप्लाई जो है पूरी तरीके से इसी रिवर से होता है वहाँ पर. ठीक है, नाउ Perennial रिवर जो है इज़ अ चैनल, एक चैनल है Perennial रिवर. देखिए Perennial रिवर्स जो है उन्हीं का पार्ट है Periyar रिवर, और Perennial रिवर्स जो है
अगर उसकी बात करें तो ये एक चैनल है जो कंटिन्यूसली फ्लो करता है इन द स्ट्रीम बेड ऑल ईयर राउंड, पूरे साल भर तक कंटिन्यूसली इसका जो फ्लो है वो कंटिन्यू रहता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कंटिन्यूस फ्लो इन पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रीम इट इज़ गोइंग ऑन. पेरियार रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द शिवगिरी हिल्स इन वेस्टर्न घाट्स के शिवगिरी हिल्स जो है वहाँ पर से ओरिजिनेट होती है ये रिवर, और फ्लो करती है कहाँ से, पेरियार नेशनल पार्क से. ओके, एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ पेरियार देन इट इज मुथिरापूजा एंड मुलायार, अदर देन दिस चेराथोनी एंड पेरिनजान कुट्टी. ठीक है, तो ये सारी जो है ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, और शिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट से जो है निकलती है ये रिवर, ओरिजिनेट होती है, पेरियार नेशनल पार्क से भी निकलती है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंस है इस रिवर की वो हमने यहाँ पे देखी. तो इस डैम की भी देखी, रिवर की भी देखी, और अल्टीमेटली हमने ये भी देखा कि दोनों के बीच में क्या डिस्प्यूट चल रहा है. तो अल्टीमेटली नाउ व्हाट इज़ द आर्टिकल टुडे, द आर्टिकल इज तमिलनाडु डिफेंड्स मल्ला पेरियार डैम पैनल. मल्ला पेरियार जो डैम पैनल है उसको डिफेंड किया है किसने, तमिलनाडु ने. उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पावर्स नॉट पास्ड ऑन अ सब कमिटी. सो द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड रिब्यूटेड एलिगेशंस मेड इन द सुप्रीम कोर्ट दैट द सुपरवाइजरी कमिटी फॉर मल्ला पेरियार डैम एबडिकेटेड इट्स ड्यूटीज़. मल्ला पेरियार डैम के लिए जो सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी ड्यूटीज़ को एबडिकेट कर दिया है टू इवेल्यूएट द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड वाटर लेवल. सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर और वाटर लेवल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने, अब देखिए अभी हमने एक चीज़ देखी, सेफ्टी और वाटर लेवल को लेकर कंसर्न कौन है, तमिलनाडु. इस डैम की सेफ्टी और वाटर लेवल को से कंसर्न कौन है, केरला. और जबकि इसका यूज़ कौन कर रहा है, तमिलनाडु कर रहा है, मेन सोर्स है. तो अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई कमेटी ये डिसीज़न देती है कि इसके हम जो डिसीज़न दे रहे हैं उससे रिलेटेड हम इस डैम के कंसर्न पर जाएंगे, मतलब किस पर कंसर्न करेंगे या कंसंट्रेट करेंगे, उस डैम के पर्टिकुलर जो हम कह सकते हैं वाटर लेवल या उसकी सेफ्टी को लेकर, है ना. तो ये सारी चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं ये शो करती है कि वो केरला के पक्ष में जो है अपनी विचार प्रस्तुत कर रही है, जबकि तमिलनाडु ने इस चीज़ को डिफेंड किया है. ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. द सब कमिटी मेंबर्स डू नॉट हैव एनी पावर्स टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स एंड नाउ इट इज़ ओनली डूइंग द जॉब ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. सब कमिटी जो है वो अपनी जो ड्यूटीज़ है डेटा कलेक्ट करने की, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने या डेटा कलेक्ट करने का काम कर रही है. इसके अलावा किसी तरीके का कोई डायरेक्शंस नहीं प्रोवाइड करवा रही है, और ना ही कमिटीज़ अपने तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रही है जैसे उन्हें करना चाहिए. तो ये पूरा इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो है निचोड़ है, और इसके अंदर ये जो मुद्दे हैं वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब आपके लिए आप कहेंगे ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. मल्ला पेरियार डैम जो है उसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, ये किन किन नदियों पर स्थित है ये जानना इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा ये किन किन दो स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट है ये जानना ज़रूरी है. प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक है, मेंस नहीं कहूँगी मैं, लेकिन प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकता है, 100% बन सकता है इसमें से क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट आर्टिकल. The next article is also quite interesting. Scientists welcome these winged infiltrators जो है infiltrators को, ये जो winged infiltrators है इनको scientists ने welcome किया है. मैं आपको बता दूँ, पार्क butterflies और Chinese dragonflies जो है वो काफ़ी माइल्स तक अननोन मतलब एक वे के थ्रू नोन हैबिटेट्स की तरफ नाउ इंडिया में दिखाई दे रहे हैं, इंडिया में मिल रहे हैं. अनलाइक ह्यूमन माइग्रेंट्स रेयर विंग्ड विजिटर्स, आपको पता है कि ह्यूमन माइग्रेंट्स भी होते हैं इधर से उधर विजिट करने वाले. उसके अलावा एनिमल्स में भी ये चीज़ होती है, माइग्रेटर्स होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें कुर्जा जो है वो एक तरीके की क्रेन्स टाइप्स है, जो कि हमारे जो हम कह सकते हैं राजस्थान का पोर्शन है, इंडिया के राजस्थान के
खिचन नामक एक जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, खिचन विलेज, वहाँ पर जो है पर्टिकुलर सीज़न के अंदर कुर्जा आती है और कुर्जाज वहाँ पे जो है काफ़ी लंबा समय अपना एक डेढ़ महीना स्पेंड करती है, जब यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठंड का मौसम होता है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं बर्ड्स भी माइग्रेट करती है इधर से उधर, और अदर जो चीज़ें हैं वो भी माइग्रेट करती है, जैसे ह्यूमन बींग्स एंड ऑल लिविंग बींग्स बेसिकली। तो उसी सीरीज़ में जो है काफ़ी सारे स्पीसीज जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम में, उसी में से एक है ज़ेब्रा स्किपर बटरफ्लाई एंड जो हम कह सकते हैं एट्रेथोथेमिस रील्सी ड्रैगन फ्लाई। सो ड्रैगन फ्लाई एंड बटरफ्लाई की प्रजाति है जो भारत में देखी गई है, बटरफ्लाई की जो प्रजाति है वो पाकिस्तान की है, जबकि चाइनीज़ ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे देखा गया। अब मैं आपको एक्चुअल जो है, ठीक है, उन्हें वेलकम किया है साइंटिस्ट ने, उन पे स्टडी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन अब इसके बारे में इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपको ये आर्टिकल तो पढ़ना ही है, रीड आउट करना है, जैसे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, लेकिन इसके अलावा आपको लगेगा कि इसके अंदर क्या इम्पॉर्टेंट है और हम क्यों इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो देखिए, इन्फिल्ट्रेटर्स किसे कहते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स कहते हैं वन हु इन्फिल्ट्रेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन और टेरिटरी एंड अंडरकवर और कोवर्ट एजेंट के तौर पे, अंडरकवर या कवर्ट एजेंट के तौर पे जो है टेरिटरी या ऑर्गेनाइजेशन को इन्फिल्ट्रेट जो किया जाता है, जिसके द्वारा किया जाता है, वो इन्फिल्ट्रेटर्स कहते हैं। जैसे अब प्रिलिम्स का क्वेश्चन क्या होता है, इन्फिल्ट्रेटर्स किसे कहते हैं, ये बन जाएगा, या इसकी डेफिनेशन दे दी है, एंड देन आपको कुछ भी फोर ऑप्शन दिए। अदर देन दिस प्रिलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स क्या है, स्पेलिया ज़ेब्रा बटरफ्लाई, ये स्पेलिया ज़ेब्रा बटरफ्लाई है जो कि बेसिकली इम्पॉर्टेंट हो जाती है। स्पेलिया ज़ेब्रा इट्स साइंटिफिक नेम, एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द जनरल नेम देन इट इज वी कैन से अ पार्क बटरफ्लाई एट ऑल और ज़ेब्रा बटरफ्लाई। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ड्रैगन फ्लाई, हेयर इट इज़ यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो, सो इट इज़ एट्रेटोथेमिस रील्सी, ओके, सो इट इज़ अ ड्रैगन फ्लाई, रील्सी ड्रैगन फ्लाई, ये चाइनीज़ ड्रैगन फ्लाई चाइना में मिलती है। तो अल्टीमेटली वी कैन सी माइग्रेंट्स आर कमिंग हेयर, सो बाहर के जो सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि अब हम कह सकते हैं जो इंसेक्ट्स या जो फ्लाइज हैं या फिर हम कह सकते हैं एनिमल्स हैं बेसिकली, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं हमारा देश रास आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट, व्हाट विल बी द, व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल दीज टू स्पेसिफिक, यू नो, इन प्रजातियों का क्या स्पेसिफिकेशन है। इसके अलावा ये जो ड्रैगन फ्लाई है रील्सी, ये कहाँ पाई गई है, सदर्न अरुणाचल प्रदेश में दिखी गई है ना, नामदफा टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे अबाउट 1170 किलोमीटर्स वेस्ट की तरफ, तो वहाँ पे इसको पाया गया है। और अगर हम बात करें कि ठीक है, और वहाँ चाइना में कहाँ पाई जाती है, चाइना के गुइजोउ प्रोविंस जो है वहाँ पे पाई जाती है, शियाकी कोंग पार्क में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यही ज़ेब्रा स्किपर्स की बात करें तो हैज़ एडेड टू द रिचनेस ऑफ द राजस्थान, ओके राजस्थान के ही। अल्टीमेटली अगर हम बात करें इंडिया में जो एक स्पेसिफिक प्लेस है जो ज़्यादा हम माइग्रेंट्स को भी अट्रैक्ट करता है, या हम कह सकते हैं टूरिस्ट को भी काफ़ी अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट के लिए भी एक बहुत हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर, और यही अब बर्ड्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ राजस्थान। सो समवेयर इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर अपने आप में स्पेसिफिक है, ये हिस्ट्री भी अपने आप में स्पेसिफिक है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि यहाँ की ये यहाँ का जो ये कल्चर है जो अट्रैक्ट कर देने वाला कल्चर, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक और जो पहले से आ रही है जो बर्ड्स हैं, जो फ्लाइज हैं, जो यहाँ पे आ रहे हैं ऑलरेडी राजस्थान में, अभी मैंने आपको बताया था कुर्जा है ना, कुर्जा हेयर इट कम्स इन दी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है दैट इज़ खिचन विलेज, वहाँ पे ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। द नेक्स्ट वन इज़ द सेमिनार डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस। नाउ व्हाट इट इज़,
how did the Nobel scientist identify the infectious agent? Infectious agent को कैसे Nobel scientist ने identify किया and how will it impact the ongoing research of COVID-19? COVID-19 का जो ongoing research है उस पर ये कैसे hepatitis C virus की जो discovery है उसे impact करेगी, उसे कैसे infectious agent को कैसे जो है identify करेगा, उसका COVID-19 पे क्या impact पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इस article में बताई गई है. The Nobel announcement said the discovery of the hepatitis C virus, nobly एक announcement हुआ है, that is hepatitis C virus जो है उसे discover कर लिया गया है. ये एक landmark achievement है जिस समय हम लोग already disease से, viral disease के against लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और काफ़ी सारी जो है medical practices, medicine practices भी हो रही है, काफ़ी research activities भी हो रही है, उस बीच में ultimately हमें एक नए virus को discover कर पाना, एक हम कह सकते हैं virus agent जो है उसे discover कर पाना, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ ऑल्सो अ लैंडमार्क अचीवमेंट फॉर अस. द रिकॉग्निशन ऑफ पायनियरिंग वर्क इन दिस फील्ड इज लाइकली टू बूस्ट रिसर्च ऑन COVID-19. इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन COVID-19 एज वेल. ओके, सो हु डिड दिस, दैट इज हार्वे जे ऑल्टर, मिशेल हॉकटन एंड Charles M. Rice. What it is? This year's Nobel Prize for Medicine has been awarded to Harvey J. Alter. अब अच्छा, इन तीनों को इस इन्फेक्शियस एजेंट को फाइंड आउट आइडेंटिफाई करने के लिए नोबल प्राइज़ भी दिया गया है मेडिसिन फील्ड के अंदर. तो मेडिसिन फील्ड के अंदर जो नोबल प्राइज़ इस साल दिया गया है वो हार्वे जे ऑल्टर, मिशेल हॉकटन एंड चार्ल्स एम राइस को दिया गया है, और उनकी डिस्कवरी हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए दिया गया है. द नोबल अनाउंसमेंट सेड द प्राइज़ हैड बीन गिवन टू 3 साइंटिस्ट हु हैव मेड द डिसीजिव कंट्रीब्यूशन टू द फाइट अगेंस्ट ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस हुआ है, जो कि मेजर ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बना हुआ था, जो कि कॉज था सिरहोसिस और लिवर कैंसर का. उनको फाइंड आउट करने, पूरे वर्ल्ड में जो सफ़र कर रहे थे लोग इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से, और फाइनली इस वायरस को फाइंड आउट करके इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन जो है कैरी कर लिया है, किसने? हार्वे, मिशेल एंड चार्ल्स ने. It is quite interesting news and it is a quite very innovative, basically innovative way to find out medicine in the, or I can say virus, or to identify a virus in the field. It is a discovery where we are going to suffer a lot with COVID-19, and in between this, to get this type of particular sections or discoveries, it is quite interesting to go for. Okay, why is the finding crucial? ये find करना crucial क्यों था, या ये क्यों crucial है? Basically, hepatitis is a disease characterized by poor hepatite, vomiting and fatigue and jaundice. ये सारी issues जो है, और yellow discoloration of the skin or eyes जो है वो yellow discover हो जाते हैं, मतलब yellow color में तब्दील हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें होने के बाद, ये सब चीज़ें बीमारी उल्टी और ये सब चीज़ें होने के बाद में अल्टीमेटली कई बार लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, और लिवर डैमेज हो जाता है जिससे कि लोग अपनी जान गंवा देते हैं. पीलिया या निमोनिया हम जैसे कह सकते हैं, काफ़ी चीज़ों, काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम्स जो है हर क्षेत्र में पाई जाती है, न्यूली बॉर्न बेबी से लगा करके, और कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम ये न्यूली बॉर्न बेबी में ही पाई जाती है. अल्टीमेटली अगर आफ्टर सर्टेन एज ये पाई भी जाती है किसी पर्सन में, तो उसकी उम्मीद है कि वो बेटरमेंट की उम्मीद की जा सकती है, बट अल्टीमेटली इट इज़ अ डिजीज़ और इट इज़ अ वायरस जो कि उसको क्योर नहीं किया जा पा रहा है ना. तो अल्टीमेटली बाय फाइंडिंग द मेडिसिन रिगार्डिंग दिस और टू फाइंड आउट द वायरस एंड आइडेंटिफाई द वायरस रिगार्डिंग दिस, इट इज़ क्वाइट इनोवेटिव एंड इट विल डेफिनेटली गिव अ ग्रेट रिलीफ इन द नंबर ऑफ इशूज रिगार्डिंग द कॉम्प्लिकेशन और रिगार्डिंग द पर्टिकुलर हेपेटाइटिस सी वायरस. ओके, so it is all about it. So let's see what will be the next and how it will definitely impact the person's life, how it will impact the medicine life of our country, and how it will definitely impact the medical department. Whole medical department will be affected, and hepatitis C virus will, how it will be treated accordingly. Okay, so it is all about it. The next is genetic scissors and rewriting the code of life. What it is? So let's see.
How does a method for genome editing developed by two women, genome editing की दो जो मैथ उसका जो method है उसे develop किया गया दो women द्वारा जो कि scientist है जिससे कि disease को tackle किया जा सके. 2020 Nobel Prize दिया गया है science के field में, science के लिए announce किया गया है और ये इतिहास का बहुत ही interesting award है जो दो महिलाओं को exclusively दिया गया है. And it is basically for a genetic scissor, or I can say to identify the genome or method of genome जिससे कि किसी भी disease को tackle करने में help की जा सकती है. The chair penchier, wait, I'm not getting it. The carpentier Dodna, it is CRISPR-Cas 9 gene editing tool is considered by several users to be more adaptable and easier to use and make the dream of curing inherited disease come true. जो आपका disease है, inherited disease है, उसको cure करने का एक तरीका find out कर लिया है इस genome editing के through. And let's see what's going to be the next and how the genomes will be edited. So using the tool, researchers can change the DNA of animals. Using or the tools को use करते हो, microorganism, plants, animals, इन सब के genome को, इनके DNA को basically अब तक change किया जा चुका है scientist द्वारा. So ultimately in this field, in this particular section, we will go through the things that how the genetic scissors can be done and how it rewrites the code of life. क्योंकि किसी इंसान में कोई DNA issue आ रहा है, genetic problems आ रही है, तो उसे ठीक करना अब तक संभव नहीं था. लेकिन ये prize इस बार दो महिलाओं को दिया गया है और ये दोनों ही महिला हैं. अमेरिका की एक है American biochemist Jennifer and the second one is French microbiologist, that is Emmanuel Carpenter. So in दोनों ने मिल करके इस particular medicine पर research किया है, genetic scissors को use करने के बारे में बात कही है और genetic reformation की बात कही है और इसे rewrite किया है जिससे कि आपकी life के codes को rewrite किया जा सके. So it is quite interesting, it is good that somewhere the it is a very interesting fact that two women all together work on these type of activities or these type of innovations. Okay, it is quite interesting. Let's see what will be the next accordingly. The next article is the Milky Way's secret. Milky Way ke secret ko discuss kiya gaya hai. The Nobel Prize for Physics jo announce kiya gaya hai, wo according October 6th ke ka kiya gaya hai. October 6th ko Nobel Prize organize kiye gaye hain, announce kiye gaye hain. Physics ke kshetra mein jo diya gaya hai, wo 3 literates ko diya gaya hai. One half went to Roger Penrose and now at the University of Oxford, Oxford University mein hai. Roger Penrose, उन्हें दिया गया है. And the discovery that black hole formation is a robust prediction. अब मुझे देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है क्योंकि हमने ब्लैक होल्स के बारे में जो डिस्कवरी की गई है, मिल्की वे के सीक्रेट के बारे में जो बताया गया है, तो उसके लिए जो नोबल लॉरेट्स जो दिए गए हैं, नोबल प्राइज़ जो दिए गए हैं, नोबल लॉरेट्स शेयर किए गए हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है. एंड डिस्कवर्ड अबाउट द ब्लैक होल, व्हाट हैव द थ्री, इन तीनों ने मिलकर के क्या डिस्कवर किया है ब्लैक होल के बारे में और मिल्की वे के सीक्रेट को जो रिवील करता है. व्हाई रोजर पेनरोज डिस्कवर्ड दैट ब्लैक होल्स कैन एंड विल फॉर्म एज डिस्क्राइब्ड बाय आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशंस. रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज, आपको पता है कि हम इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं. इनके द्वारा दिए गए जो इनको जो मिले हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर नोबेल प्राइज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उनके ब्लैक होल स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और ब्लैक होल क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट टू गो थ्रू इट, आप जिस दिन जो प्राइज़ अनाउंस हुए थे उसके नेक्स्ट डे का वीडियो, आई मीन 7th और 8th अक्टूबर का, अगर आप देखेंगे वीडियो, एनालिसिस देखेंगे, तो हमने उसमें पूरा डिस्कस किया इसे, ठीक है. सो आई डोंट थिंक दैट वी नीड टू गो थ्रू इट, वी नीड टू रीड अबाउट दिस आर्टिकल. आई मीन आपको पता चल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा इस बारे में, और क्योंकि हमने इसके बारे में स्टडी किया है तो बहुत ज़्यादा वी डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स. ओके,
बट अल्टीमेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं सारे के सारे. आपको जो चीज़ एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो आपको ड्रैगन और बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई और जो बटरफ्लाई है उन दोनों के बारे में ध्यान रखना है. दूसरी चीज़ आपको जो हमने सबसे पहले डैम के बारे में स्टडी किया, दैट इज़ मल्ला पेरियार डैम, उसके बारे में आपको उसके और उसके बारे में पता होना चाहिए और तमिलनाडु और केरला के बीच चल रहे डिस्प्यूट के बारे में पता होना चाहिए और कमेटी के बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी वायरस या जेनेटिक सीजर्स या मिल्की वे सीक्रेट, ये सभी फिजिक्स और हम कह सकते हैं जो जेनेटिक सीजर्स है तो ये भी अपने आप में मेडिकल मेडिसिन फील्ड के अंदर है, हेपेटाइटिस सी मेडिसिन फील्ड के अंदर है. तो ये जो नोबल प्राइज अभी ऑर्गेनाइज हुए हैं, अनाउंस हुए हैं, आपको उनको ध्यान रखना है, आपको उनके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना है. वैसे मैं आपके साथ सेपरेटली एक वीडियो नोबल प्राइजेस पर डिस्कस की करूँगी, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि देखिए 2021 के लिए जो करंट अफेयर्स है वो अभी से बन रहे हैं, अभी से बनते हैं. और अगर मेंस में भी नोबल प्राइज या मेडिसिन या साइंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाता है तो आप उसके अंदर जो है इनको मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट जो एक चीज़ जो हम डेली बेसिस पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेते हैं, दैट इज़ मोटिवेशनल लाइंस, उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे दैट सक्सेस डजेंट मेक यू एंड फेलियर डजेंट ब्रेक यू. सक्सेस ना तो आपको बनाती है, बिकॉज आप आइडेंटिकली आपके पास में अपनी खुद की एक पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है. सो सक्सेस से ही आप पहचाने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ही फेलियर आपको तोड़ सकती है, इट कुडंट ब्रेक यू. सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर ट्राई ट्राई एंड ट्राई एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. एंड इफ यू गॉट फेल, डेफिनेटली इट विल नेवर ब्रेक यू. सो कीप इट इन योर माइंड that you will never be breaked by any type of failures in your life and be successful. Okay, so that thanks for watching, and it was all for today. So we will again meet by tomorrow. Bye bye, take care, have a great time ahead. If you have any doubt, any question, any query, you just give me in comment section, definitely we'll get your answer. Bye bye, take care.